वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीडर पाथवेज फॉर ग्लाइकोलाइसिस पहले तो मैं आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दूं. इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस को इन डिटेल पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस में हमने देखा कि ग्लूकोज प्राइमरीली एज ए फ्यूल एक्ट कर रही थी और कैसे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया गया फॉर द परपज ऑफ एनर्जी लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि क्या हमारी तमाम जो डाइटरी शुगर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट के अंदर जो प्रेजेंट हैं क्या वो सारे के सारे ग्लूकोज की फॉर्म में हमें मिलते हैं हम हम कहते हैं हमारे सेल्स प्राइमरिली ग्लूकोज को एनर्जी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्स को सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स इन हिंदी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे होते हैं नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं फॉर एग्जांपल डाइट में हमें स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे शुगर क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो है ये दोनों फॉर्म स्टोर होती हैं तो आप एनिमल और प्लांट टिश्यूज को खाते हैं तो आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ज्यादा मिलेंगी ठीक है फ्रूट्स में आपको डिफरेंट डाइसेक्राइडस मिल्क के अंदर जैसा कि आपको लेकटोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है इस टॉपिक में हमें बात करनी है कि हाउ शुगर्स अदर देन ग्लूकोज आर मेटाबलाइज फॉर एनर्जी के ये जितने भी अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एक कहने के बात की है जब इनकी डाइजेशन होगी तो बहुत सारी नॉन ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स भी सिंथेसाइज होनी है जैसा कि लैक्टोज की आखिर में हमने बात की थी लैक्टोज एक है और इसकी डाइजेशन के बाद हमें एक ग्लूकोज और एक ग्लेक्टोज रेजिडी जो है वो मिलेगा तो ग्लूकोज तो ग्लाइकोलाइसिस से मेटाबोलाइज हो गई लेकिन जो गैलेक्टोज है ये कैसे मेटाबोलाइज होगी इसी तरह एक शुगर है सुक्रोज जिसे केन शुगर हम कहते हैं ये जो चीनी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सुक्रोज जब डाइजेस्ट होगी तो ग्लूकोज के साथ साथ हमें एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल भी मिलेगा तो फ्रुक्टोज कैसे मेटाबोलाइज होगी तो फीडर पाथवेज फॉर ग्लाइकोलिस इस टॉपिक में हम असल में किस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होंगे हाउ शूगर अदर दैन ग्लूकोज आर मेटाबिलाई फॉर एनर्जी आइए स्टार्ट करते हैं बात जी मैनी कार्बोहाइड्रेट्स बिसाइड ग्लूकोज मीट देर कैटाबोलिक फेट इन ग्लैकोलिस आफ्टर बींग ट्रांसफॉर्म्ड इन टू वन ऑफ द्लैकोलिटिक इंटरमीडिएट तो कहते जी आपको हैरानी होगी कि ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी कैटाबॉलिक फेड ग्लाइकोलिस ही है यानी कि उन्होंने ग्लाकोलिस के जरिए से ही आगे मेटाबोलाइज होना है तो उनको ग्लाइकोलिस के अंदर एंटर करवाने के लिए किसी ना किसी तरह से इन शुगर्स को भी ग्लाकोलिस के इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो ग्लैकोलिस में दाखिल हो सके अब बात हम शुरू करेंगे पोलीसेक्राइड से कहता मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टोरेज पोलीसेक्राइड ग्लाइकोजन स्टार्च ये या तो हमें डाइट्री स्टार्च डाइट्री ग्लाइकोजन इन दम ऑफ फूड जो हम लेके जा रहे होते हैं या फिर जो विद इन दी सेल स्टोर की गई होती है ग्लाइकोजन इन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स तो ये जो एंडोजिनस स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये हो या फिर ये हो माल्टोज लैक्टोज ट्री हेलोज वगैरह या फिर मोनोसेक्राइड्स में फ्रुक्टोज मैनोज और ग्लैक्टोज हो इन तमाम के बारे में हम बात करेंगे और बात हम शुरू करेंगे पोलीसेक्राइड और से। डाइट्री पोलीसेक्राइड कैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होते हैं तो डाइटरी पोलिसक्राइड्स यहाँ पे मेंशन नहीं है मेंशन होना चाहिए था हम ग्लाइकोजन और स्टार्च की बात करने जा रहे हैं तो जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है उनको मेटाबोलाइज करने के लिए ये चार बेसिकली यूज होंगे की पहले लिस्ट हमने यहाँ पे बना ली हुई है नंबर जो मेन है, दैट इज अल्फा अमाइलेज अल्फा अमाइलेज आपको पता है कि ये सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है ठीक है इसके अलावा ये पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है इसका मतलब है कि इनकी जो डाइजेशन है ग्लाइकोजन और स्टार्च की ये आपकी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसके बाद जैसे ही ये कंटेंट्स स्टमक के अंदर जाएंगे तो स्लाइबरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है और ये डाइजेशन रेज्यूम करेगी जब इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो एक्शन आएगा तो मेन इंजाइन अमाइलेज है जो कि ओरल कैविटी में वर्क कर रहा है स्लाइबरी अमाइलेज और इंटेस्टाइन के अंदर वर्क कर रहा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज इसके अलावा माल्टेज है अल्फा ग्लूकोसाइडेज है और अल्फा डेक्सट्रीनेज है ये चारों इंजाइम्स किस तरह से मिलके ग्लाइकोजन और स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले हैं आइए इन स्लाइड्स में देखते हैं अच्छा टेक्स्ट से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये वाली स्लाइड इसमें देखें आपको दो तरह के ये जो पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के वो नजर आ रहे हैं एक पोलीमर जिसमें वन फोल्डिंग केज या जिसे आप अल्फा वन फोल्डिंग केज भी कहते हैं अल्फा वन फोल्डिंग केज से लीनियर चेन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच है इसे आप कहते होते हैं अमाइलोज स्टार्च और दूसरी जो फॉर्म है जिसमें ब्रांसड चेन्स प्रेजेंट होती हैं वो या तो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च होती है या फिर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होते हैं अमाइलोपैक्ट्रन और ग्लाइकोजन में जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रांचेस का डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में तो अमाइलोपैक्ट्रन हो या ग्लाइकोजन हो इसमें ब्रांच चेंज होती है और जहां पर भी ब्रांच पॉइंट आ जाता है वहां पे लिंकेज कौन सी हो जाती है अल्फा वन सिक्स लिंकेज होती है यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी इनके दिखाए गए हैं तो ये देखे ब्रांच पॉइंट के ऊपर अल्फा वन सिक्स लिंकेज या कार्बन नंबर वन ऑफ दिस रेजिड्यू कार्बन नंबर सिक्स ऑफ दिस रेजिड्यू ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड है अब सबसे पहला जो एंजाइम था लिस्ट के अंदर दैट वाज अल्फा अमाइलेज अल्फा अमाइलेज क्या करता है ये अल्फा वन फोर लिंकेज को ब्रेक करता है अल्फा लिंकेज जहां जहां भी इसको मिलेगा अमाइलेज एनजाइन को चाहे वो अमाइलोज के अंदर हो चाहे वो अमाइलोपैक्टिन या ग्लैकोजन के अंदर हो ये इन अल्फा वन फोर लिंकेज को ब्रेक करके दो तरह की प्रोडक्ट्स देता है माल्टोज जो कि एक डाइसिक्राइड है दो ग्लूकोज यूनिट्स का या फिर अगर ये तीन ग्लूकोज यूनिट्स आपस में अटैच हो तो इसे हम कहते हैं माल्टो ट्राइज तो ये माल्टोज या फिर माल्टोट्रायोज ये दो तरह की प्रोडक्ट्स हमें देता है यानी कि ये कंप्लीटली इसको में ब्रेक जो है वो नहीं कर रहा जो एंजाइम है फर्स्ट वन लिस्ट के अंदर जो दूसरा एंजाइम था दैट वाज माल्टेज माल्टेज क्या करेगा वो इस माल्टोज को मजीद सिंप्लीफाई करेगा और ये जो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बाकी रह गया है इसको भी तोड़ के दो मोनोसेक्राइड रेजिडियो को अलग अलग कर देगा तो फाइनली हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या ग्लूकोज है माल्टोट्रायोज को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडिज अल्फा ग्लूकोसाइडेज ये माल्टोट्रायोज को भी फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा जब तक के

ओलिगोसेक्राइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते इन्हें हम कहते हैं लिमिट डेक्सट्रिनस दीज ओलिगोसेक्राइड्स आर लिमिट डेक्सट्रिनस जिनमें एक अल्फा 1 6 लिंकेज प्रेजेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो फोर्थ इंजाइन था लिस्ट के अंदर अल्फा डेक्सट्रिनेज वो इन लिमिट डेक्सट्रिनस को डाइजेस्ट करता है और इन तमाम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर देगा एक दूसरे से सेपरेट कर देगा तो ये चार इंजाइन मिलके अल्टीमेटली स्टार्स को या ग्लाइकोजन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे इसमें सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में यही सारी बात इस टेक्स्ट के अंदर भी बताई गई है तो इसको मैं अब ले कि यहाँ पे रीड आउट नहीं करने जा रहा ये वही तमाम बातें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार इंजाइन मिलके स्टेप बाय स्टेप स्टार्च और ग्लाइकोजन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल प्रोडक्ट विल बी सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरह से हमने क्या किया है हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन को सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया अब इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की फेट क्या होगी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सिंपली जब अब्सॉर्ब होंगे सेल्स के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फीड हो जाएंगे इनकी तो फर्दर किसी तरह की प्रोसेसिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट एंजाइम जो पढ़ा है हेक्सोकाइनेज हेक्सोकाइनेज इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चला देगा तो ये डाइटरी पॉलीसेकेराइड्स की हमने बात कर ली

और डी ब्रांचिंग एंजाइम आपस में मिलके एक्ट कर रहे होते हैं कैसे इसको भी हम प्रेफरेबली इस स्लाइड में डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो वही बात आ गई ये एक आपको ब्रांच इस दफा एक चेन नजर आ रही है फर्द करें ये ग्लाइकोजन का कोई पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है कोई सेक्शन है तो इसमें क्या होगा जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी क्या है यहां पे देखें फर्ज करो ये एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन है यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया जो नॉन रिड्यूसिंग एंड पे जो कह लेंगे टर्मिनल रेजिड्यूज है इन पे फोकस करने लगे इसको एक को ब्लू शेड कर दिया गया है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन फॉसोरिलेज याद रखें कि ये जो स्टोर्ड पोलिसक्राइड हैं उनकी कैटाबॉलिज्म ऐसे होने लगी है डाइटरी पोलिसक्राइड की कैटाबॉलिज्म जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से हुई है वो कैसे हुई वो हम चार एंजाइम डिस्कस कर चुके हैं ये स्टोर्ड हैं इन मसल्स और लिवर सेल्स जहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट्स की बात करें तो वहां पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होती है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस स्टार्च के केस में हम इसे स्टार्च फॉस्फोरिलेस कहेंगे ये पानी की बजाय एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐड करेगा जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर ये बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हम हाइड्रोलिस कहते हैं हम कहेंगे। फॉस्फेट जो है ये टर्मिनल जो रेजिड्यू है इसके कार्बन नंबर वन पे ऐड हुआ ग्लूकोज वन फास्फेट बना और जो चेन थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की उसमें एक ग्लूकोज रेजिड्यू की कमी हो गई एन माइनस वन की चेन यहाँ पे पीछे रह गई है इस तरह से एक एक करके यहाँ से ग्लूकोज रेजिड्यूज उतरते जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वन फॉस्फेट अब ग्लूकोज वन फॉस्फेट इसकी क्या फेट है इसको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करवाने के लिए एक और एंजाइम हेल्प करेगा फॉस्फोग्लूको म्यूटेज म्यूटेज एंजाइम का क्या रोल होता है ये रीअरेंजमेंट करते हैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स की तो यहाँ पे जो फॉस्फोग्लूको है ये फास्फेट को कार्बन नंबर वन से हटाकर कार्बन नंबर सिक्स पे ऐड कर देगा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनेगा इस ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के साथ क्या होना चाहिए ये तो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है सिंपली इसको जो ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड एंजाइम है इसको फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट बनेगा और इस तरह से ये ग्लाइकोलिस के अंदर फर्दर प्रोसेस हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज़ की एक लिमिटेशन है कि जहां पे ब्रांच पॉइंट आ जाता है अल्फा 1 6 लिंकेज आ जाता है ब्रांच पॉइंट से पहले कुछ रेसिड्यूस तक ये कह लें कि इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाता जिसके लिए फिर एक अलग से एंजाइम है जिसे हम डी ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम इस ओलिगो सैकेराइड की चेन को ब्रांच पॉइंट से हटा करके

एक लैक्टेज एंजाइम है जो कि इसको ग्लैक्टो और ग्लूकोज में तोड़ देगा सुक्रोज के लिए सुक्रेज है जो कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा अब जितने भी ब्रेकडाउन के बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं ये तो सिंपली ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाएंगे पकड़कर इनको ग्लूको ग्लाइकोलाइसिस में चला देगा तो असल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को कैसे फीड किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज कैसे एंटर होंगी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तो अब हम बारी बारी देखेंगे कि ये फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज कैसे इस प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होगी तो उसके लिए पहले आ जाए फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज के लिए एक इंजाइम हैगजोकाइनेज है इसका मतलब ये जो हैगजोकाइनेज है ये ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज दोनों को एज ए सबस्टेट ले सकता है ग्लूकोज के लिए वो जी को एज ए सब लेगा तो क्या बनाएगा फ्रुक्टोज 6 लेकिन बाकी टिश्यूज के अलावा सेल्स में जो कह लें कि एक वेरिएंट है उसे हम फ्रुक्टोकाइनेज कहते हैं और इसका फर्क क्या है? फ्रुक्टोकाइनेज 6 की बजाय नंबर वन कार्बन पे फॉस्फ्रेट ऐड करता है फ्रुक्टोज वन फॉस्फ्रेट बनाता है अब फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फ्रेट ये तो का ही इंटरमीडिएट है देखें जरा इसको तो सिंपली फॉस्ट्रो पकड़ेगा और फ्रुक्टोज़ फ्रुक्टोजेट में कन्वर्ट कर देगा ये तो चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में लेकिन जो फ्रुक्टोज वन फास्फेट बनता है लीवर के अंदर इसको ग्लाइकोलाइसिस में कैसे एंटर करवाया जाता है उसके लिए एक एंजाइम है फ्रुक्टोज वन फॉस्फेट एल्डोलेज़

में एंटर हो गई तो आपने देखा फ्रुक्टोज बाकी सेल्स में तो इजीली हेक्सोकाइनेज कर उसको ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर देगा लेकिन लिवर में ये थोड़ा सा बाईपास करते हुए पहले दो ट्रायोजिस बनेंगी और फिर ये दोनों ट्रायोजिस ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगी लेकिन अल्टीमेटली फेट इनकी क्या है इन्होंने किसी ना किसी स्टेप पे ग्लासिस के अंदर ही शामिल होना है चाहे ये पे ऑफ फेज से ज्वाइन कर रहे हैं एज इन केस ऑफ लिवर चाहे ये प्रेपरेटरी फेज के ही चौथे स्टेप से आके तीसरे, तीसरे थी, या चौथे स्टेप पे आके ज्वाइन कर रहे हैं एज इन केस ऑफ अदर सेल्स ये आप देख नेक्स्ट आ गई ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज कैसे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगी तो ग्लैक्टोज के लिए एक एंजाइम है ग्लैक्टोकाइनेस

ये कन्वर्जन कैसे होती है यहाँ पे ये सारे स्टेप्स दिखाए गए हैं गैलेक्टोज की पहले तो फास्फोरिलेशन हुई गैलेक्टोकाइनेज ने करवाई गैलेक्टोज वन फास्फेट बना कार्बन नंबर वन पे एक फास्फेट ऐड हो चुका है अब इस कार्बन नंबर वन पे जो फास्फेट ऐड हुआ है इसको यहां पे देखें रिप्लेस किया गया है विद यूडीपी UDP, यूरिडीन डाइफॉस यूरिडीन डाइफॉस यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी यूरासिल तो वो यूरिडीन जिसके साथ दो फॉस्फेट लगे होंगे तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूरिडीन डाईफॉस्फेट और यहां से फॉस्फेट को इसने किया रिप्लेस ये क्या बन गया यूडीपी ग्लेक्ट्रोज बन गया पहले गलेक्टोज फॉस्फेट था अब यूडीपी के साथ गलेक्टोज लगी हुई है इसके बाद यूडीपी ग्लूकोज फोर एपीमरेज आप, इसने कार्बन नंबर फोर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करनी है इसलिए फोर एपीमरेज दो स्टेप्स में ये काम करेगा पहले स्टेप में देखें यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन हुई है यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कार्बन नंबर फोर से यहाँ पे कीटोन ग्रुप सिंथेसाइज़ हुआ, फिर ये हाइड्रोजन वापस दे दिए रिडक्शन हो गई अगले ही स्टेप में लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि जिस पोजीशन से हाइड्रोजन ली थी उसके इनवर्टेड पोजीशन पे जो है वो ऐड की जानी है हाइड्रोक्सल ऊपर था अब इनवर्ट हो गया नीचे आ गया तो ये क्या बन गया अब ये ग्लेक्टोज नहीं रहा बल्कि ग्लूकोज बन गया है यूडीपी ग्लेक्टोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है अब असल में यही यूडीपी ग्लूकोज थी जिसने यूडीपी रिप्लेस किया था इस फास्फेट के साथ यानी कि अब दो मॉलिक्यूल यूज होंगे एक ग्लेक्टोज वन फास्फेट और एक यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज ये क्या करेगी यहां से फास्फेट उतारेगी ग्लूकोज वन बन जाएगा। और अपनी जो यूरिडीन डाइफॉस है वो यहाँ पे लगा देगी वो यूडीपी ग्लेक्टोज बन जाएगा इसको तो जरा रिवर्स करके दोबारा सुने और इस पर गौर करें जरा मैंने क्या कहा है और जब आप गौर कर चुके अब देखें ये जो ग्लूकोज वन फॉस्ट बनी है इसके साथ क्या होगा अभी हम पीछे एक एंजाइम डिस्कस करके आए हैं कौन सा बला फॉस्फो गो म्यूटेज वो इसके कार्बन नंबर वन से फॉस्ट्रेट हटा के कार्बन नंबर सिक्स पे लगाएगा ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बन जाएगा अल्टीमेटली ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हो गया अल्टीमेटली तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होना है किसी ना किसी स्टेप पे इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं फीडर पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस तो इस लेक्चर को दो, दो दफा तीन दफा चार दफा सुने जब तक आप ये इसको सारी बातें पिक ना कर लें और रीडिंग के लिए ये तमाम मटेरियल जो है ये भी कहाँ से लिया गया है लहन की बुक से जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है थैंक यू